हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आज देखिए कुछ नई चुनिंदा घोस्ट वीडियोस जो आपकी रातों में नींद उड़ा देंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बलेन सारेला ने यह पहली वीडियो को अपलोड करते हुए लिखा कि इसे उनके भाई ने फैमिली चैट ग्रुप में इस आस में शेयर किया था कि होपफुली कोई ना कोई मेंबर इसे एक्सप्लेन कर पाए। फुटेज में बैलेंसा का भाई अपने परिवार के साथ सो रहा है कि तभी ना जाने कहां से वहां ये हो जाता है। किसी तरह बच्चा बेड के साइड में खींच दिया जाता है। ध्यान से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी अनदेखी ताकत ने बच्चे की टांग को झटका दिया हो। जिस भी व्यूअर ने इसे देखा वो एक पल के लिए दहशत में आ गया, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ये किसी शैतानी शक्ति का काम है और उन्हें बच्चे की फिक्र हो रही है। अब क्या फैमिली को कोई सुपरनेचुरल एंटिटी सता रही है, इस पर तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, मगर डेफिनेटली ये क्लिप काफी ज्यादा अजीब है। आज की इस दूसरी वीडियो में एक यूनिवर्सिटी बैंड अपनी छोटी सी ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि अपेरेंटली ये उनका आखिरी इवेंट था। अब वीडियो के शुरुआत में तो सब कुछ पूरी तरह नॉर्मल जाहिर होता है, हालांकि चंद मिनटों बाद एक ऐसा अनसेटलिंग हादसा होता है जो सबको क्रीप्ड आउट कर देता है। आप भी देखिए। बैंड के गाना प्ले करते समय कोई व्यक्ति या कोई चीज बैकग्राउंड में नजर आ जाती है। ये रहस्यमय आकृति आउट ऑफ नोवेयर टीवी के पीछे अपीयर होकर बैंड की परफॉर्मेंस देखती है, जबकि अजीब बात यह है कि फिगर ना तो पहले वीडियो में कहीं मौजूद थी और ना ही वीडियो के अंत में कहीं दिखाई दी। स्ट्रेंजली व्यूअर्स ने नोटिस किया कि जहां ये बेजान आकृति खड़ी है वहां की स्पेस बेहद ही टाइट है, और किसी भी आम इंसान के लिए इतनी तंग जगह में खड़े हो पाना लगभग नामुमकिन है। आज के दिन तक भी ये पता नहीं चल पाया कि एग्जैक्टली वहां क्या कैप्चर हुआ, पर भले ही ये कोई इंसान था या कोई भूत, नो डाउट ये साइटिंग किसी बुरे सपने से कम नहीं। यूट्यूब चैनल बिंचू टीवी से पैरानॉर्मल जांच करता कोतात्सु कथित तौर पर प्रेत बाधित एक होटल को सागा प्रीफेक्चर जापान में इन्वेस्टिगेट करने निकल पड़े हैं। कहा जाता है कि 2009 में जब इसकी ओनर को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते होटल बंद करना पड़ गया तो दुखद अवस्था में उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। तब से लेकर आज तक होटल पूरी तरह अबैंडन्ड है और लोकल्स लोगों को आगाह करते हैं किसी भी हालत में यहाँ से दूर रहने का, क्योंकि मान्यता है कि उस मृत ओनर की गुस्सैल प्रेत आत्मा किसी इंसान को इमारत में देखना पसंद नहीं करती। कोतात्सु बिल्कुल अकेले होटल के बचे कुचे हिस्से को एक्सप्लोर करते हैं और फाइनली उन्हें फॉर्मर ओनर का ऑफिस मिल जाता है। वहां बैठकर वे एक स्पिरिट बॉक्स सेशन करते हैं, लेकिन इसमें उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिलती। थोड़े हताश कोतात्सु शॉर्ट ब्रेक लेकर वही साइलेंस में बैठकर अपना फोन चलाने लगते हैं, मगर इसी मोमेंट पर एक ऐसी घटना घटती है जिससे वे अंदर तक दहल जाते हैं। नानु तो शुमाते नानी मानो ん
इन्वेस्टिगेटर को अपने पीछे कुछ अजीब सुनाई देता है और जैसे ही वे घूमते हैं तो एक छोटा सा पेल हैंड दरवाजे पर अपीयर हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये हाथ कोतात्सु को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। इन्वेस्टिगेटर ने बताया कि जैसे ही मुड़कर उन्होंने बाहर नजर मारी तो एक पल के लिए किसी औरत की डार्क फिगर उन्हें उभरती हुई दिखाई दी जो तुरंत उनकी आंखों के सामने डिसअपीयर हो गई। कोतात्सु ने कैमरा उठाकर हर एक जगह को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया पर उन्हें वहां कोई भी नहीं मिला। तो क्या होटल के अंदर उन्होंने उसी मरी हुई ओनर के भूत की एक झलक पाई? क्या वो जांचकर्ता से मदद की गुहार लगा रही थी? मुझे कमेंट करके अपने विचार बताइएगा जरूर। YouTube यूजर डैनी रोशा अपने फ्रेंड्स के साथ एरिजोना स्टेट में नेटिव इंडियंस के लिए रिजर्व ग्राउंड्स में घूमने के लिए गए हुए थे। स्थानीय नवाहो लोग रेजर्वेशन में स्किन वॉकर्स के होने की कहानियां सुनाते हैं और अक्सर यहां रात में अकेले निकलने की मनाही की जाती है। स्किन वॉकर एक इस प्रकार की हार्मफुल विच है जिसमें खुद को जानवर से लेकर इंसान में बदलने की एबिलिटी होती है और आमतौर पर ये सुनसान रास्तों या बीहड़ इलाकों में नजर आती है। नवाहो नेशन के बीचों बीच डैनी जब रात 3 बजे एक ओल्ड हॉन्टेड स्ट्रक्चर की कहानियां सुनकर पहुंचे तो उनकी ये विजिट नाइटमेयर में तब्दील हो गई। So we're in the middle of the desert right now. It's like 3 a.m. They say that around here, like the witch appears somewhere here. We've been hearing some noises right in the back, but I don't know. We stay quiet. We can hear some noises right by now. Oh shit, watch. What the fuck? What the fuck, man? What the fuck? Let's what go. The fuck is that? Hold on, hold on. Don't get too close, man. Get too close. Hold on, hold on. What the fuck? Let's see if it's come through here. Let's see. What's that? Oh, what the f- is that shit doing? Oh, what the f- run, run, what the f- is that? What the f- was that shit? वुडन स्ट्रक्चर में एक शोर सुनाई देने पर जैसे ही वे उसका पता लगाने आगे बढ़ते हैं तो बिखरे बालों वाला एक पेल वाइट फेस दरवाजे से उनकी तरफ झांकता है और ग्रुप खौफ के आलम में वहां से भाग निकलता है। डैनी द्वारा फिल्माई इस साइटिंग पर व्यूअर्स के विचार बटे हुए हैं। कुछ ने लिखा कि ये उन्हीं का एक दोस्त है जबकि कईयों को ये स्किन वॉकर का असली सबूत लगा। वैसे आपकी इस घटना पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। फेसबुक यूजर नैरी कैलरमैन ने एक रात नोटिस किया कि उनकी नेबर सारा घर की छत पर अजीब हरकतें कर रही है। इस डर से कि पड़ोसी कोई गलत कदम ना उठा ले नैरी जल्दी से ऊपर पहुंची और उसे समझाने की कोशिश करने लगी। कुछ समय की मशक्कत के बाद फाइनली सारा नीचे उतर आई और इस घटना को मजाक के तौर पर नैरी ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड कर दिया। हालांकि यही पर नैरी के एक कॉन्टैक्ट ने किसी ऐसी भयानक चीज को पॉइंट आउट कर दिया जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। क्या आपको भी दिखा? एलन ने लिखा कि उसे सारा के पीछे कोई खड़ा हुआ नजर आ रहा है। क्लिप को इनहेंस किया जाए तो डेफिनेटली एक डार्क ओमिनस फिगर लड़की के पीछे खड़ी है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये कोई और नहीं बल्कि मौत का फरिश्ता ग्रिम रीपर है जो शायद सारा के गिरने का इंतजार कर रहा था। क्या आप भी इस थ्योरी पर बिलीव करते हैं या आपकी राय इन सब से बिल्कुल अलग है? मणिपुर के चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव थालौन से आई इस आखिरी वीडियो को 2021 में रिकॉर्ड करा गया था। वीडियो के पीछे की बैक स्टोरी तो अननोन है मगर अपलोडर की मानी जाए तो इसमें एक चुड़ैल आधी रात के समय कैप्चर हुई। आती पैसा
महिला की डिसहेवल्ड अपीयरेंस से लगता है मानो वो किसी तकलीफ में है, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय लोग वहां खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। अब क्योंकि फुटेज 2 साल पुरानी हो चुकी है और इस पर कोई आर्टिकल भी ऑनलाइन मौजूद नहीं है, तो वीडियो की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर पाना पूरी तरह इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, अब समय हो गया है आज की बोनस क्लिप का। क्वालालंपुर मलेशिया से अराश अफनान दावा करते हैं कि पिछले कई सालों से किसी अजनबी प्रेत आत्मा ने उनके घर पर कब्जा कर लिया है। वे कहते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ ये एंटिटी और भी ताकतवर होती जा रही है। ओ, रंता वाले हैं। अफनान ने सोचा कि शायद ये उनका कोई फैमिली मेंबर है, बट पर्दा हटाने के बाद तो वहां कोई नहीं था। जल्द ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी अफनान के घर पर और भी तीव्र हो गई। छोटे से क्लोजेट में कोई छिपने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसा जो तेजी से एक बच्चे जैसा हाथ रिवील कर देता है। अफनान को शक होने लगा कि शायद ये आत्मा बच्चे का रूप लेकर उनके बेटे डूबिस से अटैच हो रही है, क्योंकि कई ओकेशंस पर वो किसी अनदेखी चीज से बातें करता हुआ अफनान को नजर आया है। Assalamualaikum. Dubis. Dubis. Masuk. Dubis. Kenapa Dubis selalu mengam di tu? हालांकि सबसे खौफनाक घटना तो तब घटी जब एंटिटी ने अपना असली रूप अफनान के सामने एक रात जाहिर कर दिया। लंबे काले बालों वाली कोई चीज फ्रिज के बगल में मंडरा रही है, लेकिन जैसे ही अफनान देखने के लिए आगे बढ़े तो वो वहां से गायब होकर अब उनके सामने अपीयर हो गई। अब आप खुद ही तय करिए कि क्या ये घटनाएं सच हैं या नहीं, पर जो भी कहा जाए ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तेज बाढ़ में मंडरा रहा वो क्रीचर कौन था, जानने के लिए राइट साइड आ रही वीडियो पर क्लिक करें। और अब मेरी होगी आपसे जल्द ही मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ।